वाले राज्यसभा चुनाव की वजह से एक बार फिर शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार टलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह भाजपा मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने से नाराज चल रहे वरिष्ठ विधायक बताए जा रहे हैं। भाजपा को डर है कि अगर चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो डैमेज कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब विस्तार जून के आखिरी सप्ताह तक हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 31 मई के पहले विस्तार हो जाएगा। प्रदेश में खाली हुई 3 सीटों पर 19 जुलाई को मतदान होना है। एक एक सीट भाजपा और कांग्रेस के लिए पक्की है, मगर तीसरी सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। 3 निर्दलीय विधायक भाजपा के संपर्क में है। कमलनाथ सरकार के पतन के पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन पर डोरे डाल रखे थे। इन सबको देखते हुए कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय भी भाजपा का साथ दे सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से कैबिनेट में अधिकतम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल अभी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में 6 मंत्री हैं। आगे मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की चर्चा है। इसमें से 11 करीब सिंधिया समर्थक हो सकते हैं। भाजपा नेताओं में इसी बात को लेकर नाराजगी चल रही कि सिंधिया समर्थकों की वजह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। कई दावेदार अपनी आपत्ति बड़े नेताओं के सामने दर्ज करा चुके हैं।